आज की वीडियो भगवान को लेकर है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भगवान को किसने बनाया है, तो उनके पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं होता। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। मेरी किसी भी वीडियो को देखकर यह मत समझना कि मैं भगवान को मानती हूँ या नहीं। मुझे हर विषय पर वीडियो बनाना और कठिन सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है। अगर हम सोचे कि हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई जरूर होता है, तो इसके हिसाब से अगर यह दुनिया भगवान ने बनाई है, तो भगवान को बनाने वाला भी कोई जरूर होगा और उसे बनाने वाला भी। इस प्रकार तो यह श्रृंखला कभी खत्म ही नहीं होगी। पहले हम जान ले कि धर्मों के हिसाब से भगवान क्या चीज है। सभी धर्मों का मानना है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, ना उसका कभी जन्म हुआ है और ना ही उसकी मौत होती है। उसकी शक्ति भी अपार है। वह अनंत काल से है और हमेशा रहेगा और वह अनंत तक फैला है। जब मैंने इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज खोजनी शुरू की जिसमें ये सारी खूबियां हों, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज मिली और वह है हमारा अंतरिक्ष यानी स्पेस। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे स्पेस में ऐसा क्या है जो मैं उसकी तुलना भगवान से कर रही हूँ, लेकिन आप भी मेरी बातों से सहमत जरूर होंगे। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खाली स्पेस असीमित है, इसका कोई अंत नहीं है। हम इस ब्रह्मांड में जितना भी दूर तक देख ले, हमें ये खाली स्पेस वहीं तक मिलेगा। और इस स्पेस की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है, ना ही इसका कोई आकार है। इसमें सभी गुण ऐसे ही है जैसे धर्म में भगवान के हैं। लेकिन क्या इस स्पेस में इतनी शक्ति है कि ये हमारे इस विशाल ब्रह्मांड को बना सके? ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग की वजह से बना है। पहले ना समय था, ना ही ये खाली जगह, सब कुछ एक ही बिंदु पर सिमटा हुआ था। लेकिन मैं इस थ्योरी को सही नहीं मानती, क्योंकि किसी भी चीज को एक बिंदु से फैलने के लिए खाली स्पेस की जरूरत होगी, यानी यह खाली स्पेस हमेशा से था। दूसरी वजह यह है कि अगर बिग बैंग की वजह से दुनिया बनी होती, तो इसमें मौजूद हर चीज की उम्र लगभग एक जैसी होती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी जगह है जहां पर नए सितारों का जन्म हो रहा है। ऐसी ही एक जगह को हबल टेलीस्कोप ने खोजा था, जिसे क्रिएटर पिलर्स कहा जाता है, जहाँ पर लाखों सितारों का जन्म हो रहा है। इन्हें ब्रह्मांड की नर्सरी भी कहा जाता है। हमारे सूर्य की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है, जो अभी जवान है, और इसके जैसे अरबों खरबों सितारे हैं। इसके साथ ही कुछ सितारे ऐसे हैं जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मर चुके हैं और मरने के बाद ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारा बन चुके हैं। इस बात से साबित होता है कि हम अपने ब्रह्मांड में जो भी चीजें देखते हैं, उन सबका जन्म अभी भी हो रहा है और उनका अंत भी। जब कोई सितारा ब्लैक होल बन जाता है, तो वह रेडिएशन छोड़ता है, यानी एक प्रकार की ऊर्जा छोड़ता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इन सभी चीजों से पता चलता है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर हम इंसान जन्म लेते हैं, फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं और हमारे शरीर का एक एक एटम रिसाइकल होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में भी हर एक चीज रिसाइकल होती है और रूप बदलती रहती है। यानी हमारी दुनिया ना तो एकदम से बनी और ना ही एकदम से खत्म होगी। इसमें मौजूद चीजें बनती रहेगी और खत्म होती रहेगी। लेकिन दुनिया की किसी भी चीज को देखें तो वह एटम से ही बनी है, और अब हमें पता चल चुका है कि ऊर्जा से ही ये सब चीजें बनी हैं, क्योंकि E=mc² कहता है कि ऊर्जा को मास में बदला जा सकता है और मास को ऊर्जा में। इस बात से साबित होता है कि यह हमारा स्पेस ही है जिसके पास असीमित ऊर्जा है, जिसकी वजह से यह पूरा ब्रह्मांड बना है। अगर हम स्पेस को भगवान कहें, तो यही वह भगवान है जो असीमित ऊर्जा का मालिक है, और इसी ऊर्जा से वह ये सब चीजें बना रहा है जो हम इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा और दूसरी नेगेटिव ऊर्जा। अगर इस ब्रह्मांड में मैटर है तो एंटी मैटर भी है, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन भी है। अगर हम ब्रह्मांड में मौजूद सभी नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को आपस में मिला दें, तो हमारे पास सिर्फ ये खाली स्पेस ही बचेगा जो हमेशा से था और रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग यह सवाल करेंगे कि ये खाली स्पेस या भगवान को किसने बनाया। हम जब भी ऐसे सवाल करते हैं, तो लॉजिक के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये लॉजिक हमारे दिमाग की उपज है और हर लॉजिक सही नहीं होता। अगर कोई चीज गोल चक्कर में घूम रही है, तो कोई यह सवाल पूछे कि इस यात्रा का अंत क्या है,
और उसके बाद क्या आएगा? तो इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि इस यात्रा का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं कि यह यात्रा कितनी लंबी होगी। उसी प्रकार इस स्पेस का कोई अंत नहीं है, यह असीमित है। इसी प्रकार हमें पता है कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी है। अभी तक हमें एटम की सबसे छोटी इकाई हिग्स बोसोन का पता चला है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस सबसे छोटी इकाई का भी पता लगा लेंगे जिससे दुनिया की हर चीज बनी हो। मान लो उसका नाम जीरो होगा, लेकिन फिर भी कोई यह पूछे कि जीरो किस चीज से बना है, तो इस सवाल का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब हमें पता है कि जीरो दुनिया की सबसे छोटी इकाई है और हर चीज शून्य से ही बनी है, तो इसका कोई जवाब ही नहीं होगा कि शून्य किस चीज से बना है। शून्य खुद से बनी है, क्योंकि वह दुनिया का मूल कण है। इसलिए हमारी थ्योरी से साबित होता है कि हमारा स्पेस ही भगवान है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं और ना ही अंत। वह सबसे पहले था और है और हमेशा रहेगा। उसे बनाने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार हर पदार्थ का एक मूल कण होता है, उसी प्रकार भगवान इस दुनिया के बनने का मूल कारण है और उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए उसे बनाने वाला कोई नहीं हो सकता। सभी प्राचीन धर्मों में भगवान के यही गुण बताए गए थे, लेकिन बाद में हमने अपने अपने हिसाब से भगवान बना लिए। हम जिस भगवान की आज कल्पना करते हैं और मानते हैं, उसे किसने बनाया, तो हमें पता चलता है कि धर्म के हिसाब से भगवान शुरू से हैं और हमेशा रहेंगे। उनका कोई रूप नहीं है और वो अनंत है। और धर्म की यह थ्योरी सही भी है, क्योंकि जिस चीज का जन्म ही नहीं हुआ तो उसका अंत भी कैसे होगा। जिसका कोई रूप ही नहीं है तो उसे हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। और हमारे अंतरिक्ष में ये सारे गुण हैं। आध्यात्मिकता के हिसाब से जब हमारे अंदर आत्मा आई, पहले हमने खुद के होने को महसूस किया, बाद में भगवान के होने का। साइंस के हिसाब से भगवान सच में नहीं है, यह सिर्फ इंसानों के दिमाग की उपज है और यह दुनिया भी अपने आप बनी है। लेकिन धर्म को मानने वाले लोगों को इस बात से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्पेस ही भगवान है तो यह भगवान कुछ इस तरह का है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया तो जरूर बनी है, लेकिन वह इसे कंट्रोल नहीं करता। इसके लिए उसने कुछ सिद्धांत बनाए हैं और हमारी पूरी दुनिया इन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से काम करती है। जैसे कोई भी चीज प्रकाश की स्पीड से तेज नहीं चल सकती, लेकिन कोई इंसान सोचता है कि अगर वह भगवान की पूजा करेंगे तो उन्हें इस स्पीड से भी तेज चलने की शक्ति मिल सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम चाहे जो मर्जी कर ले, हमें प्रकृति के नियमों से ही चलना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी हमारी किस्मत में हो हमें वही मिलेगा। हम चाहे तो प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो इस प्रकृति में संभव नहीं है। जैसे मरे हुए इंसान को जिंदा करना भविष्य में संभव होगा। साइंस के साथ हम यह तो जान सकते हैं कि यह दुनिया कैसे बनी, लेकिन यह कभी नहीं जान सकते कि यह क्यों बनी है, क्योंकि साइंस कैसे के सिद्धांत पर काम करती है, ना कि क्यों के। साइंस ने यह तो बता दिया कि यह दुनिया बिग बैंग से बनी है, लेकिन इसका जवाब कभी नहीं दे पाएगी कि बिग बैंग का विस्फोट क्यों हुआ। हम इंसान हर सवाल का जवाब चाहते हैं, चाहे उस सवाल का कोई जवाब हो या नहीं। हम अपने आसपास देखते हैं कि हर काम को कोई ना कोई करने वाला होता है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ भी काम अपने आप नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यह सोचना भी गलत है, क्योंकि हवा अपने आप ही चलती है, बारिश अपने आप ही होती है। लेकिन ये चीजें जरूर है कि हर चीज के होने का एक कारण जरूर होता है, इसलिए इस दुनिया के बनने का भी एक कारण जरूर होगा। हमारा स्पेस शून्य की तरह है, इसलिए यह बिना किसी कारण के हो सकता है। लेकिन इस खाली स्पेस में अगर यह दुनिया बनी है तो इसका कारण जरूर होगा। लेकिन हम साइंस के द्वारा यह तो जान सकते हैं कि किसी इंसान ने क्या क्या काम किया है और क्या नहीं, लेकिन यह नहीं जान सकते कि उसने कोई काम क्यों किया, क्योंकि इसका जवाब तो वह इंसान ही दे सकता है। इसलिए हम अगर यह जानना चाहते हैं कि यह दुनिया किसने बनाई है और किस लिए बनाई है, और इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उनके होने का क्या मतलब है, इस प्रकार के सवालों के जवाब तो वही बता सकता है जिसने हमें बनाया है। लेकिन क्या साइंस इस स्पेस से ही यह पूछ सकती है कि उसने इस ब्रह्मांड को क्यों बनाया है?
मैं तो ऐसा नहीं मानती। अभी हमें बहुत से सवालों के जवाब खोजने हैं, जैसे किसी सितारे के बनने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है और किसी ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा कहाँ जाती है। हमें ऊर्जा के इस चक्र को समझने की जरूरत है। हमें अपने इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना होगा और तर्क वितर्क से सोचना होगा, तभी हम हर सवाल का जवाब जान सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे बेस्ट इन्फो चैनल दीप्ति और मेरे रियल साइंस चैनल दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।